तुम अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वाइवा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर, या फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, और तुम देखो फिफ्थ सेमेस्टर में वाइवा में जो पूछा जाता है वो आगे जाके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो मैं फ़िलहाल तो भी वाइवा का बता रहा हूँ तुम्हें, और ये एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो पहला पूछेंगे तुमसे सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, ठीक है? तो पहले के टाइम पे लोगों को कम नॉलेज थी इसकी, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, मगर अब सही है, ठीक है? सेकंड थिंग तुमसे पूछेंगे Y2K प्रॉब्लम, ठीक है? यानी ईयर 2000 वाली प्रॉब्लम जिसमें लास्ट की 2 डिजिट देखी जाती थी। उसके बाद पूछेंगे तुमसे पुतनाम मॉडल, ठीक है? तो ये तुम ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाके चेक कर लेना, कोको मॉडल, पुतनाम मॉडल है ना, विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। फिर आता है UFP और फंक्शन काउंट क्या होता है, ठीक है? तो ये चीज़ पढ़ लेना है एक बार, फंक्शन काउंट या फिर UFP का फॉर्मूला क्या है, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अलग ही रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है? मतलब प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना या फिर सॉफ्टवेयर में जो मैनेजमेंट रिस्क हो सकते हैं उनको पता लगाना। तो तुम ऐसे लिखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिस्क मैनेजमेंट तो तुम्हें मिल जाएगा। फिर आता है सिस्टम टेस्टिंग के बारे में, तो काफ़ी लोग पूछते हैं यार इसके बारे में कि सिस्टम टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो इंडिविजुअल डेफिनेशन पढ़ लेना। बाकी सिस्टम टेस्टिंग होता है, बेसिक बता देता हूँ कि सिस्टम टेस्टिंग होता है टेस्ट द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है? और इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है वैलिडेट करता है, वैलिडेट द कलेक्शन एंड इंटरफेस मॉडल, ठीक है? और सिस्टम टेस्टिंग आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग आफ्टर यूनिट टेस्टिंग होता है। बाकी की डिटेल तुम्हें मिल जाएंगी। फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस क्या होता है, ठीक है? मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इन सब के, जो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ लगभग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस क्या होता है और नीड ऑफ मेंटेनेंस क्या होती है। फिर पूछा जाता है तुमसे कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या अंतर है, ठीक है? काफ़ी बार आता है, तो देखो एक सिंपल सा बढ़िया चीज़ बोलोगे, वेरीफाई करते हो तो अपने आप से सवाल पूछना, आई एम बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या मैं प्रोडक्ट सही बना रहा हूँ, तो उसमें आ जाता है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग। और वैलिडेशन में आता है एम आई बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, यानी इस बार हम देखो एम आई बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, इसमें क्या है, वेरीफिकेशन है, ठीक है? और वैलिडेशन यानी एम आई बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, यानी ऑडियंस को सही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसमें आते हैं कस्टमर एक्सपेक्टेंस और यूजेबिलिटी टेस्टिंग। लास्ट सॉरी नेक्स्ट आते हैं लाइफ लाइन इन सीक्वेंस डायग्राम, तो टीचर पूछते हैं लाइफ लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है? फिर आते हैं जर्नलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर, जर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक्सट्रैक्टिंग एसेंशियल कैरेक्टर्स होता है, ठीक है? नेट पर सर्च मिल करोगे तो मिल जाएगा। फिर आता है स्पायरल मॉडल के बारे में, कितने स्टेज होते हैं, क्या होता है, ठीक है? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, थर्ड होता है डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, फोर्थ होता है रिव्यू एंड प्लान फॉर नेक्स्ट फेज। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स मॉडल, ठीक है? काफ़ी बड़ी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मगर एक बेसिक डिफरेंस जो है वो है कि ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑल वे ऑफ टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर और प्रोग्राम और द कोड इज़ हिडन एंड नथिंग इज़ नोन, ठीक है? तो इंटरनल स्ट्रक्चर सब हटा रखा है, मगर वाइट बॉक्स में सब कुछ पता होता है, ठीक है? मतलब ब्लैक बॉक्स सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए होती है, डेवलपर के लिए वाइट बॉक्स होती है, ठीक है? बाकी डेफिनेशन आप डिस्क्रिप्शन में। फिर आते हैं यार ये पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल डायग्राम बिहेवियरल डायग्राम क्या होता है, ठीक है? मैं इसकी डेफिनेशन भी दे दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर पूछेंगे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पॉइंट क्या होते हैं, सॉरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन द सिस्टम और इट्स कंपोनेंट, नॉन फंक्शनल में क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। बाकी की पूरा डिफरेंस जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर आता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, पूछा जाता है यार कि सिस्टम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होता है, ठीक है? इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बताऊँ तो यार टाइप्स जान लेना, क्या प्रिंसिपल होते हैं,
क्या टाइप्स होते हैं, यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, अल्फा बीटा टेस्टिंग क्या होता है, ये पूछा जाता है यार, अल्फा बीटा टेस्टिंग। ठीक है, तो अल्फा टेस्टिंग होता है, वैलिडेशन टेस्टिंग होता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग विच इज़ डन बिफोर द प्रोडक्ट रिलीज, और बीटा टेस्टिंग क्या होता है, एंड यूज़र बताता है। जैसे हमारे पे बीटा वर्जन आता है ना कि फेसबुक का बीटा वर्जन, वैसे ही। ठीक है, तो अल्फा बीटा टेस्टिंग के बाद तुम हाँ कार्डिनैलिटी के बारे में जान लेना। ईआर डायग्राम में कार्डिनैलिटी, ये हमने डेटाबेस मैनेजमेंट में भी पढ़ा था फोर्थ ईयर में। तो ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एंड इंस्टेंस इन वन एंटिटी कैन रिलेट टू इंस्टेंस ऑफ अदर एंटिटी, जैसे वन वन, मैनी वन, ये सब तुमने पढ़ रखा हुआ है ना फंक्शन में, क्लास ट्वेल्थ में भी था ये रिलेशन एंड फंक्शन नाम के चैप्टर में। ठीक है, फिर आते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का पकड़ के रखना है, और तुम मतलब एक कोई मैनेजमेंट सिस्टम ले लेना और सारी बातें उसकी जान लेना।